नमस्कार, पब्लिक फोरम में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को प्रातः 10 बजे रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण करेंगे। उनके साथ मंत्रिमंडल के सदस्य भी होंगे, जिनमें कुछ नए चेहरे होंगे। पूरी दिल्ली को न्योता दिया गया है, आप आइए, हमें आशीर्वाद दीजिए, हमें कार्य करने के लिए एक नई ताकत दीजिए। हालांकि ताकत तो मिल गई है, लेकिन उसका आधार प्रस्तुत करने के लिए पूरी दिल्ली को न्योता दे दिया गया। आज अरविंद केजरीवाल उपराज्यपाल से मिले और फिर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया और अब वो तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल की ओर से ये आश्वासन दिया जा रहा है कि जो हमने दिल्ली के साथ वादा किया है, दिल्ली से जो हमने आत्मीयता जोड़ी है, दिल्ली के प्रति जो हमारी प्रतिबद्धता है, हम उसमें खरे उतरेंगे। इसीलिए बार बार वो अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं कि हमें अब और मेहनत करनी है, हमें अगले 5 साल और परिश्रम से काम करना है, अभी हम संतुष्ट नहीं हैं। और ये सही बात भी है, अगर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है तो फिर उसके आगे के रास्ते बंद हो जाते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम नित नूतन नीति रीत नियत के साथ आगे बढ़ने का काम कर रही है और फिर वो एक नया इतिहास रचना चाहती है। और अगर देखा जाए तो इतिहास तो रच ही दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके 14 करोड़ सदस्य हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी, उसको एक छोटी सी पार्टी ने दोबारा फिर हरा दिया। और इतना ही नहीं किया, बल्कि तमाम आक्रामक रणनीति के बावजूद बड़े संयत और धैर्य से जवाब देते हुए बीजेपी को दहाई अंक भी नहीं छूने दी। हालांकि उसका वोट प्रतिशत 6 बड़ा है, माने 2015 में 32 था, अब वो 38 हो गया। आज ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 बजे महासचिवों की एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में वो फैसले करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण हैं जिससे कि दिल्ली में हमें हार का सामना करना पड़ा। हालांकि लगातार मीडिया में विश्लेषण हो रहा है, राजनीतिक पंडित अपनी बात कर रहे हैं और बता भी रहे हैं कि बीजेपी क्यों हारी, लेकिन आज नड्डा बात करेंगे, बैठक कर रहे हैं और कहते हैं कि ये बैठक लंबी चलेगी और इस बैठक के अनुसार ही आगे की रणनीति बनेगी। क्योंकि जो सोचा गया था बीजेपी के बारे में वो कुछ सही हुआ नहीं, बल्कि जो दावे किए गए थे उससे तो स्थिति और विपरीत हो गई। कहाँ क्या कमी रही है जानते सब हैं, लेकिन आज
उसे फ्रेम देने का काम होगा और फ्रेम दे करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बड़ी चिंता की बात है कि जो पार्टी 7 साल पहले बनी हो, अन्ना आंदोलन से जन्मी हो, उस पार्टी की जो प्रारंभिक दशा आप देखिए, बड़े मतभेद, उतार चढ़ाव, पलटवार, सब कुछ, यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अरविंद केजरीवाल जो है सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। उनके साथ बड़े बड़े दिग्गज जो थे वो टूट टूट के चले गए। प्रशांत भूषण टूट के चले गए, योगेंद्र यादव टूट कर चले गए, कुमार विश्वास टूट करके चले गए, सब टूट टूट के चले गए। लेकिन उसके बावजूद भी ये भी कहा गया कि ये तो धरने प्रदर्शन पर केवल विश्वास करते हैं। लेकिन जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 1 साल में अपने करेक्टर को एकदम बदल दिया, आरटीआई का जो एक्टिविस्ट था, अन्ना आंदोलन का जो अगुआ था, जो लगातार संघर्ष की बात करता था, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, जो धरना देता था, प्रदर्शन करता था, जिस पर हमले होते थे, वो केजरीवाल एकदम बदल गया। और बदल करके उसने सारे बिंदुओं का जवाब दिया। उस केजरीवाल ने यह भी जवाब दिया कि देश में हिंदुत्व है लेकिन उसे हम अछूत नहीं मानेंगे। क्या हुआ, हिंदुत्व का जवाब दिया, और कैसे दिया, जब विजय हो गई, मंच पर आए अरविंद केजरीवाल तो कहा गजब, आई लव दिल्ली, ये कहा आई लव टू यू। और दूसरी बात जो सबसे महती बात थी, उन्होंने 3 नारे लगवाए, भारत माता की जय, कितनी बड़ी बात। दूसरा नारा क्या, इंकलाब जिंदाबाद, और तीसरा नारा क्या, वंदे मातरम। अरे यही नारों को तो लेकर के विवाद खड़े किए जाते हैं, इन्हीं नारों को लेकर के कहा जाता है कि ये लोग ये नारे नहीं लगाएंगे। लेकिन मौका नहीं दिया अरविंद केजरीवाल ने, जैसे प्रारंभ में नारे लगवाए वैसे जब भाषण खत्म हो गया तो उसके बाद भी वही नारे लगवाए। और ये छवि कहीं ना चली जाए कि हिंदुत्व विरोधी है, तो हनुमान मंदिर भी जाते हैं, हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, पूजा भी करते हैं, और ये दिखाते हैं कि हम में भी हिंदुत्व है, हम हिंदुत्व के विरोधी नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व का जो मुद्दा उठाया गया, जो धर्म का मुद्दा उठाया गया, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा उठाया गया, उसकी भी काट की, और ये कहा और ये दर्शाने की कोशिश करी कि हम भी उसी परंपरा के हैं। क्योंकि अगर कोई मतदाता हिंदुत्व और उसके लिए प्रतिबद्ध है और उसका नेता उसके खिलाफ आवाज उठाता है तो निश्चित रूप से एक विवाद खड़े होते हैं। लेकिन वो विवाद नहीं खड़े होने दिए अरविंद केजरीवाल ने, तो अरविंद केजरीवाल 1 साल में बदल गए। मोदी के खिलाफ बोले नहीं, ये एक बहुत बड़ी, उन्हें मालूम था कि जो चुनाव लड़ रहे हैं उनके पास कोई चेहरा नहीं है, इसका भी लाभ मिला। मुख्यमंत्री पद का कोई चेहरा नहीं था, अरविंद केजरीवाल को लाभ मिला। लेकिन इस बात का भी उन्हें लाभ मिला कि उन्होंने मोदी की कहीं कोई आलोचना नहीं की। उन्हें मालूम था कि मोदी के प्रति लोगों का लगाव है, जुड़ाव है, इसलिए उन्होंने बिल्कुल कतई एक क्षण के लिए भी मोदी की आलोचना नहीं की। दूसरी जो सबसे बड़ी बात क्या थी, ना उन्होंने आलोचना की, बल्कि कल ही देखिए जब नरेंद्र मोदी ने अरविंद केजरीवाल को बधाई दी, उनकी टीम को बधाई दी, तो उसका जवाब भी बड़े संतुलित ढंग से, अच्छे ढंग से दिया। उन्होंने कहा धन्यवाद सर,
हम दिल्ली की राजधानी को विश्व की एक मिसाल बनाना चाहते हैं, और ये सब केंद्र सरकार के सहयोग से ही संभव है। हम चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार के सहयोग से दिल्ली को उत्कृष्ट बना दें। बड़ी रचनात्मक ढंग से बातचीत की, ये है पॉलिटिक्स। यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली के चुनाव कई संदेश दे गया है और उस संदेश को समझने की ज़रूरत है। एक और जहाँ आप पार्टी में उल्लास है, वहीं दूसरी ओर भाजपा में निराशा, और वहीं तीसरी ओर अगर कांग्रेस में देखें तो कांग्रेस में इन दिनों आंतरिक कलह हो गई है। खुल करके तो लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन अब तक के जो बयान आए हैं नेताओं के, अगर आप उसका विश्लेषण कीजिए तो ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने बहुत कुछ चल रहा है। अब तक के जो बयान आए हैं उनमें प्रमुख रूप से बयान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ का। क्या कहते हैं? कहते हैं कि भाजपा हार हुई है, अब भाजपा किनारे लग रही है, अब भाजपा को सोचना चाहिए। और उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे तो मालूम था अपने रिजल्ट के बारे में, कमलनाथ ने ये बात कह दी। चिदंबरम ने कहा मुझे बड़ी खुशी है कि आप जीत गई, बीजेपी हार गई। और जब चिदंबरम ये बयान दे रहे हैं, अधीर रंजन क्या कह रहे हैं? हाँ, हमने सोचा था कि थोड़ी बहुत सीटें मिल जाएंगी। ये क्या बयान है? ये इस बात को दर्शाता है कि कांग्रेस इस चुनाव में गंभीर नहीं थी, बल्कि जो ये आरोप लग रहा है कि अंदर खाने सपोर्ट कर दिया गया आपको, कांग्रेस की स्थिति क्या है? 1998 में शीला का युग शुरू हुआ और 52 सीटें थी, उसके बाद 47, उसके बाद 43, और दो बार से 0-0। पिछले बार वोट परसेंटेज 9 कुछ था, इस बार 4.24 रह गया, घट गया। ये 6% वोट इनका अगर मान भी लिया जाए कि परंपरागत है, तो कहाँ चला गया? तो सीधी तौर पे कहा जा सकता है कि वोट सीधे सीधे आप पार्टी को चला गया। मतलब कांग्रेस ने अपने वोट को भी बचाए रखने का प्रयास नहीं किया। यही तो बीजेपी की एक थोड़ी सी कसक है। अगर त्रिकोणात्मक संघर्ष हो गया होता तो बीजेपी आगे बढ़ गई होती। यही जो उसको 38% वोट मिला है, 6% ज्यादा मिल गया, 32। बीजेपी को 6% ज़्यादा मिला, कांग्रेस को कम हो गया, और आप पार्टी ने लगभग वही 53-94 के जैसे 2015 में था वही हिसाब ना रखा। सवाल केवल सीधा सीधा ये उठ रहा है कि ये कांग्रेस को हो क्या गया? अब कमलनाथ ये बयान देते हैं, चिदंबरम ये बयान देते हैं, अधीर रंजन ये बयान देते हैं, तीन बयान तो आप ही पढ़ लीजिए। प्रियंका गांधी का कहना है कि हम अभी बोलेंगे, जरा देख लें रिजल्ट वगैरह। अब वो क्या बोलती है तो दूसरी बात है, लेकिन इतने ही तीन बयानों में विवाद खड़े हो गए। दिल्ली महिला मोर्चा की संयोजक समिष्टा मुखर्जी, जो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी है, ने खुल करके कहा कि चिदंबरम सर, ये बताइए क्या आपने बीजेपी को हराने के लिए केजरीवाल को ठेकरा दे दिया था? क्या केजरीवाल और उनकी पार्टी को आपने ठेका दे दिया था? क्या आप राज्यों में ये होगा कि बीजेपी को हराने के लिए ठेका दिया जाएगा? ये कौन सी बात हो गई कि हम आप पार्टी की जीत में खुश हैं और बीजेपी की हार के लिए बड़े प्रसन्न हो रहे हैं? आज
दिल्ली कार्यालय में एक कार्यकर्ता ने कहा, हम तो डूबे हैं सनम, लेकिन तुमको भी ले डूबेंगे, ये वाली स्थिति हो गई। सवाल क्या हो रहा है? सीधे तौर पर शमिष्ठा मुखर्जी ने चिदंबरम पर हमला बोल दिया, और उससे बड़ा हमला बोला संदीप दीक्षित ने, जो शीला दीक्षित के बेटे हैं। उन्होंने कहा कि नेता ने फरेब किया है, फरेब इस चुनाव में किया, ये बात आ रही है। जो काम शीला दीक्षित ने किया था उसे आगे लाया नहीं गया, बल्कि सच बात तो यह है कि शीला दीक्षित के ही समय में गुटबाजी इतनी तेज हो गई थी, चाहे पीसी चाको जो प्रभारी थे, अजय माकन, ये सब मिल करके, और शीला दीक्षित भड़बड़ा गई थी। हालांकि उनकी एक पैठ थी, उन्हें अपना मौका मिला, लेकिन परेशानी तो हुई। एक ब्रेक के बाद फिर आगे बताएंगे। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित, दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU, कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। मेहमान नवाजी का शाही अंदाज, खिदमत रेस्टोरेंट कवर्ड एंड ओपन एयर का खुशनुमा माहौल, फुली एयर कंडीशन, बेहतरीन सर्विस, इंडियन, मुगलाई, चाइनीज एंड कॉन्टिनेंटल फूड प्रिपेयर्ड बाय वेल ट्रेन शेफ, आपकी खिदमत के लिए हमेशा तैयार। खिदमत रेस्टोरेंट, ग्रैंड गीत होटल, द मॉल, कानपुर। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित पवन तिवारी ज्योतिष चक्र के माध्यम से आपको बताएंगे रोजाना आपके राशियों का हाल कैसा रहेगा, आज का दिन आपका और क्या है आज का नक्षत्र। सुबह 8:30 ज्योतिष चक्र में JMD न्यूज पर। आप देख रहे हैं बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कांग्रेस की, और कांग्रेस में जो आंतरिक कलह शुरू हो गई है, संदीप दीक्षित ने नेताओं को फरेब बता दिया, और यह बात बिल्कुल सही है कि इंदिरा गांधी के परिवार से जुड़ी हुई शीला दीक्षित की अगर इतनी धमक ना होती तो शायद उनके जो प्रतिद्वंदी अजय माकन और उसमें कांग्रेस के जो प्रभारी थे PC चाको, ये कहीं पार्टी से बाहर का रास्ता ना दिखवा देते, ये हालात हो गए थे। सच बात तो ये है कि शीला दीक्षित के सामने ही कलह शुरू हो गई। लेकिन एक बात और समझ नहीं आती, पता नहीं क्या हो गया आलाकमान को, वो चुप्पी साध लेता है, या तो आलाकमान के अंदर इतने मतभेद हैं, वरना ये सब मामले निपटाए जाने चाहिए थे। अब हार हुई है तो देरी से प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए सुभाष चोपड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया है, PC चाको ने भी इस्तीफा कांग्रेस प्रभारी पद से दे दिया है। कहते हैं कि
कि कांग्रेस का नेतृत्व इस तरह कमजोर है कि उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती है। 2015 में जब कांग्रेस शून्य पर पहुंची तो राहुल गांधी ने एक बयान दिया था, वो बयान बड़ा ऐतिहासिक है। उन्होंने कहा था कुछ तो ऐसा है जो आप पार्टी से सीखने की जरूरत है, जिस पार्टी का इतिहास 100 साल से अधिक का हो, जिस पार्टी ने इतिहास एक ने अनेक रचे हो, उस पार्टी का नेता ये कहे कि हम 3 साल पहले बनी पार्टी से हमको सीखने की जरूरत है। कुछ भी हो, उस समय कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा था, बुरी तरीके से गिरा था कि अरे हमारे नेता को क्या हो गया, आज केजरीवाल इतने महान हो गए। सच बात तो यह कि वो दिन भी अच्छा नहीं था। और जो अंदर खाने की बात चल रही है उसमें तो ये लगता है कि सीधे तौर पर कांग्रेस ने बीजेपी को हराने के लिए आपके समय आत्मसमर्पण कर दिया। ये एक धारणा बनी कि अगर वोट बट गया, कांग्रेस के पास चला गया, तो बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और कहते हैं कि जो अंदर खाने बात थी वो लागू की गई और उसका लाभ केजरीवाल को मिल भी गया और बीजेपी हार भी गई। लेकिन क्या ये पार्टी के हित में है? क्या पार्टी ये करेगी कि बीजेपी को हराने के लिए इस तरीके के समझौते करेगी या इस तरीके की रणनीति बनाएगी? अरे उसे तो खुल करके सामने आना चाहिए था। लोगों को विश्वास था कि इस बार खाता तो खुलेगा, कम से कम 1-2-3 सीटें तो आई, वो भी नहीं आई। और सीटें आना तो दूर, 70 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे गए और 67 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई। और ये 67 प्रत्याशियों की जमानतें जब्त हुई मतलब इन्हें कुल वैध मतों का 1/6 भी नहीं मिला, कि अगर 1/6 भी मिल जाता तो जमानत बच जाती। ये दयनीय स्थिति हुई है कांग्रेस की। और जब कांग्रेस की ये दयनीय स्थिति होगी तो निश्चित रूप से उसका भविष्य क्या होगा ये सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश सामने है, बिहार सामने है, पश्चिम बंगाल का चुनाव सामने है, पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव सामने हैं, लेकिन अगर आप ये स्थिति बनाएंगे तो क्या होगा? हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता सुरजेवाला ने बड़ा सधा हुआ बयान दिया। उन्होंने कहा निश्चित रूप से पार्टी को मजबूत करना है और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि नए संकल्प कौन से होंगे और क्या होगा। एक बात तो सही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त देश को करने का अभियान छेड़ा था उसे उस समय बड़ा झटका लगा जब मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बन गई। वरना तो एक छोटे से राज्य क्या है उसको राज्य क्या कहेंगे। पुडुचेरी में केवल कांग्रेस थी, बाकी तो सब जगह सफाया हो गया था, लेकिन एक जीवन मिला है। लेकिन ये जो नया जीवन मिला है, जो संजीवनी मिली है, इसको आप संभाल के नहीं रखेंगे कैसे काम चलेगा? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को जो सोचना है तो सोचे ही, लेकिन उससे ज्यादा कांग्रेस को सोचना है। कांग्रेस अगर इसी तरीके से रही तो क्या होगा? अब लोग कह रहे, सवाल उठा रहे, अरे ठीक है कांग्रेस को खुल करके लड़ना चाहिए था,
कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं की एक बात और हम आपको बता दें, कांग्रेस का आम कार्यकर्ता नहीं चाहता है कि आप उत्तर प्रदेश में भी किसी से गठबंधन करके चुनाव लड़ें, क्योंकि गठबंधन में होता क्या है कि संगठन कमजोर पड़ जाता है, कार्यकर्ता लावारिस घूमने लगता है और वो अपनी बात खुल करके नहीं कह पाता। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का आम कार्यकर्ता और नेता दोनों की मैं बात कर रहा हूं, वो नहीं चाहता है लेकिन समझौते होते हैं, बसपा से हुआ, सपा से हुआ और क्या नतीजे हुए सब देख रहे हैं लोग। लेकिन आज एक सवाल खड़ा हो रहा है कांग्रेस के लिए, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल यह है कि दिल्ली चुनाव में कांग्रेस की जो भूमिका सामने आई है, कांग्रेस के जो नतीजे सामने आए हैं, कांग्रेस का जो परिणाम सामने आया है, वो एक संयोग है या एक प्रयोग है? देखते रहिए पब्लिक फोरम। नमस्कार।